आपका स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो है 6 वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे रिफ्रेशिंग के बारे में। रिफ्रेंस क्या कहलाता है? तो रिफ्रेंस एक ऐसा तरीका है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरे शेल के फॉर्मूला या फंक्शन को जो है किसी और शेल में भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे हमने इससे पहले जो है यूज करके देखा था। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे ये जो रिफ्रेंस है वो कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 तरीके का जो रिफ्रेंसिंग होता है, एक होता है रिलेटिव रिफ्रेंस, दूसरा होता है मिक्स रिफरेंस और थर्ड होता है एब्सोल्यूट रिफरेंस। तो चलिए यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे बात कर लेते हैं रिलेटिव क्या होता है। तो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव रिफरेंस का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं और वो फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस सेल में लगाया था उसी के बेस पे जो है नेक्स्ट सेल में अप्लाई हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफरेंस बोला जाता है। तो रिलेटिव रिफरेंस का यूज करने से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेटा को कॉपी कर सकते हैं और कम समय में हमारा डेटा जो है ऑटो फिल हो जाएगा। तो रिलेटिव रिफरेंस को बताने के लिए मैंने जो है यहाँ पे जो है एक शीट बना लिया है और वहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि रिलेटिव रिफरेंस क्या होता है। तो एक बार अगर हम फार्मूला लगा लेते हैं किसी सेल में तो नेक्स्ट सेल में भी वही फार्मूला जो है कंटिन्यू रन कराता है। तो इसी के बारे में बताया गया, तो ऐसा शीट मैंने यहाँ पे बना के रखा है। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है रिलेटिव रिफरेंस के लिए जो है एक शीट बना के रखा है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी। तो पेंसिल जो है 4 रुपीज इसका प्राइस है और टोटल क्वांटिटी हमने 20 परचेज किया है, तो टोटल इसका कितना प्राइस हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि प्राइस को क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4 को वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल यूज करेंगे, देन इसके बाद जो है ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे तो इस सेल का जो एड्रेस है वो है C2, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार सिंबल, फिर उसके बाद क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ये हो गया। देन नेक्स्ट हम इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद जो है 4 × 20 जो है आपका 80 यहाँ पे आंसर आ गया। अब इंडिविजुअल आपको हर एक सेल को बार बार करना पड़ेगा, तो बार बार आप यूज करते हैं तो आपका टाइम जो है क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो आप टाइम को सेव करना चाहते हैं तो आप जो है रिलेटिव सेल रिफरेंस के थ्रू जो एक बार आपने क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया, आपको कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से ये 4 और 20 का मल्टीप्लाई होने के बाद जो है उसके नेक्स्ट सेल में जो आंसर 80 आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे 3 और 10 का मल्टीप्लाई होने के बाद 30 आना चाहिए। ऑटोमेटिकली जो है रिलेटिव जो है रिलेशन जो है क्रिएट कर लेता है। अब दिख रहा होगा आपको कि मैंने जैसे ही इसको ऑटो ड्रैग किया, यहाँ पे ऑटो फिल किया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिकली 30 आ गया। वैसे 25 मल्टीप्लाई 30 तो ये 750 आना चाहिए। मैं इसको यहाँ से जिस प्रकार इसमें 3 to 10 का मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आया है वैसे 750 आ जाएगा। वैसे इसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है 600 आना चाहिए, वो आ जाएगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। ये आप जो है एक में फार्मूला या फंक्शन लगाने के बाद आप ऑटोमेटिकली इसको ड्रैग करेंगे तो सारे आंसर आ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा जो है रिलेटिव सेल रिफरेंस के थ्रू जो है हमने आसानी से क्या कर लिया, जो है आंसर ला लिया। तो रिलेटिव सेल रिफरेंस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट जो है रिलेटिव सेल रिफरेंस काम करता है। अब यहाँ पे हमको अगर टोटल क्वांटिटी फाइंड करना है तो इक्वल टू यहाँ पे हम सम फार्मूला के थ्रू, ये तो आप जानते हैं कि इससे पहले हमने फंक्शन के बारे में बात किया था तो उसमें सम फंक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। वैसे ही हमारा टोटल प्राइस को भी अगर हमको सम करके देखना है कितना आता है तो यहाँ पे जो बिल बनता है उसमें जो है सारा चीज यहाँ पे मेजरमेंट रहता है, टोटल क्वांटिटी और टोटल प्राइस, तो ये आ गया। तो टोटल ओवरऑल प्राइस जो है इसका हो जाएगा 2135। यहाँ पे जो है रिलेटिव सेल रिफरेंस हो गया। अब हम आ जाते हैं मिक्स सेल रिफरेंस। तो मिक्स्ड सेल रिफरेंस के लिए क्या होता है, जैसे हमने अभी जो है रिलेटिव सेल रिफरेंस यूज करके देखा। अब मिक्स्ड सेल रिफरेंस क्या होता है, अगर हम जो है मैक्स सेल रिफरेंस का यूज नहीं करते तो वो रिलेटिव ही लेता है। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा कंडीशन आ जाता है कि हमको किसी सेल को जो है फिक्स करना रहता है, उसी सेल से हमको वैल्यू को लेना है, तो उस कंडीशन में हमको मिक्स सेल रिफरेंस लेना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्स सेल रिफरेंस के लिए क्या किया जाता है, तो मिक्स सेल रिफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी सेल को जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए रिलेटिव सेल रिफरेंस में आपको कोई भी तरीके का आपको किसी भी सेल में जाके कोई भी चेंज नहीं करना है, लेकिन वहीं पे मिक्स सेल रिफरेंस रहेगा तो आपको देखिए 2 चीज से हमारा जो है सेल एड्रेस बनता है, एक होता है कॉलम वैल्यू, एक होता है रो वैल्यू।
तो आपको या फिर कॉलम वैल्यू को जो है क्या करना पड़ेगा, इसको आपको लॉक करना पड़ेगा या फिर आपको रो वैल्यू को लॉक करना पड़ेगा। तो आप अगर दोनों में से किसी एक को लॉक करते हैं कॉलम या रो को, तो वो मिक्स सेल रेफरेंस कहलाता है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल से ही देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ आए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, सीड बना लिया है। अब मैंने क्या किया है, एक जो है क्लास नाइन का जो है प्रीडिक्ट टेस्ट का रिजल्ट है, लेकिन कुछ कारण से जो है बच्चों का जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे हमको क्या करना पड़ रहा है, उनको 20 मार्क्स जो है ग्रेस के रूप में देना पड़ रहा है। तो 20 मार्क्स जो है ग्रेस के रूप में देना है, तो टोटल जो मार्क्स है, जो ऑप्टेड मार्क्स है उन्होंने जो एक्सेस किया है, उसमें 20 मार्क्स को हर बार ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है ग्रेस मार्क्स जो है 20 यहाँ पे दिया है, इस मार्क्स को हर बार क्या करना है, यहाँ ग्रेड टोटल जो मार्क्स आएगा उसमें ऐड करना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। अभी जैसे इसका जो ऑप्टेड मार्क्स है 420, उसमें 20 अगर ऐड करते हैं तो 462 आता है। वैसे 554 में अगर 20 ऐड करते हैं तो 574 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, प्लस कर देता हूँ इसको। इस सेल को क्या करना है, इसमें जो है हमको क्या करना है, जो ऑप्टेड मार्क्स है उसमें 20 ऐड करना है। तो 20 वाले सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन इंटर करता हूँ। तो ये तो आ गया हमारा कितना आ गया, 462। ये तो बिल्कुल सही है 20 ऐड होने के बाद। अब एक बार जब ये वैल्यू आ गया है, मैं इसको ऑटो फिल करके देखता हूँ। तो ऑटो फिल जब करता हूँ तो दिख रहा होगा कि इसमें 20 ऐड नहीं हो पाया है, 20 ऐड नहीं हुआ इसका। सॉरी, इसका डेसिमल प्लेस मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसमें 20 ऐड होके आ गया, यहाँ पे 442 के जगह में 462। वैसे यहाँ पे 554 में 20 ऐड होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, तो इसका रीजन है, देखिए हमने क्या किया था, जब इस सेल को सेलेक्ट किया था तो इस सेल का जो एड्रेस था वो था C15, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा C15। लेकिन जब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो है सील एड्रेस जो है कंटिन्यू क्या हो रहा है, सेल एड्रेस जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे C15 था, यहाँ पे C15 था, ये दिख रहा होगा आपको, ये C15 आपको दिख रहा है। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम दूसरे सेल में जाते हैं तो कंटिन्यूसली जिस प्रकार से एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो है सेल ऑटोमेटिकली जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस में जो है ऑटोमेटिक सेल का जो एड्रेस चेंज होता है, वैसे यहाँ पे जो है C16 हो गया। वैसे ही कंटिन्यूसली यहाँ पे C16 के बाद यहाँ पे C17, C18, C19, ये ऑटोमेटिकली जो है सेल का एड्रेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इस सेल के जो का जो ये क्या है, ये जो रो नंबर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ये चेंज ना हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सेल एड्रेस आया है हमको क्या करना है, एक तो होता है यहाँ पे कॉलम का वैल्यू जो है ये सी, ये तो ठीक है, ये हर बार अगर सी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, हर बार जो है यहाँ पे सी ही है सब में, लेकिन हर बार क्या होते जा रहे हैं, रो वैल्यू जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो हमको रो वैल्यू को अगर लॉक करना है तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा डॉलर सिंबल। तो डॉलर सिंबल यूज करने से क्या होता है, वो सेल का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होता है। तो एक बार अगर हमने डॉलर सिंबल यहाँ पे डाल दिया, अब उसके बाद इसको ऑटो फिल करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉलर सिंबल लग के आ गया है। तो डॉलर सिंबल लगने के बाद क्या होता है कि ये जो सेल का जो में जिसमें भी आपने लगाया है, कॉलम में लगाया है या फिर रो में लगाया है, वो वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। अब हम इसको ऑटो फिल करके देखते हैं। जैसे ही हम ऑटो फिल करेंगे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है C15 हर एक सेल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रो का वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रहा है कंटिन्यूसली, जो है C15 यहाँ पे आते जा रहा है। तो इससे क्या हो पाया कि हमारा जो ये काम है आसानी से हो पाया। तो कई सारे प्लेसेस रहते हैं जिसमें हमको कॉलम के वैल्यू को अगर लॉक करना रहेगा, तो यहाँ पे हम कॉलम के सामने ये जो है कॉलम वैल्यू जो अल्फाबेट रहता है उसके सामने हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट सेल रिफ्रेश में क्या होता है, किसी भी एक सेल को किसी भी वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी मिक्स सेल रिफ्रेश में क्या होता है कि आपको किसी भी एक वैल्यू को, रो वैल्यू या कॉलम वैल्यू को लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने के लिए आपको डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है किस वैल्यू को लॉक किया है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे कॉलम वैल्यू को और सेकंड टाइम जो है रो वैल्यू को लॉक करके रखा है। तो एक अगर एब्सोल्यूट रहता है, एक अगर लॉक रहता है, तो वो क्या कहलाएगा, मिक्स सेल रिफरेंस कहलाएगा। वहीं पे अगर हम देख लेते हैं एब्सोल्यूट सेल रिफरेंस जिसमें ना कॉलम का वैल्यू चेंज होता है ना रो का वैल्यू चेंज होता है, तो उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रिफरेंस। यहाँ पे हम जो है एब्सोल्यूट सेल रिफरेंस का भी उपयोग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हर बार जो है कॉलम वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं था, लेकिन अगर हम चाहते यहाँ पे तब भी वही आंसर आता, क्योंकि कॉलम का वैल्यू जो है सी है, वो हर एक सेल में सी रहता। तो इस तरीके से हम इसको जो है
मिक्स से एब्सोल्यूट सेल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते थे। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है कि मिक्स रिलेटिव सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मिक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। तो रिलेटिव में तो हमको किसी भी तरीके का लॉक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिक्स में अगर आप किसी भी एक जो है रो या कॉलम में से किसी एक को अगर लॉक करते हैं तो वो मिक्स कहलाता है। जिसमें आप दोनों को लॉक कर देते हैं तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट सेल रिफरेंस। तो ये टोटल जो है थ्री टाइप के जो है सेल रिफरेंस होते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, कोई भी परेशानी होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल में जो है सारे यूनिट के जो है क्वेश्चन आंसर भी डले हुए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले के लिए वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।